कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज से। एक लड़की थी जिसका नाम था नेहा, एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। जैसा उसका नाम था वह उतनी ही खूबसूरत थी, मानो जैसे वह कोई राजकुमारी हो। और उसे इस बात का घमंड भी बहुत था। उसे उस कॉलेज का हर लड़का प्यार करता था और अपनी वाइफ बनाना चाहता था, और नेहा को आए दिन लव प्रपोजल आते रहते थे। और नेहा किसी को भी मना नहीं करती थी, उसे अपनी खूबसूरती का यूज करना भी बहुत अच्छे तरीके से आता था। नेहा कॉलेज के लड़कों के साथ घूमने की बात किसी को कानों कान खबर नहीं होने देती थी कि वह सभी से रिलेशनशिप में रहती है। वह रोजाना किसी न किसी के साथ होटल और पार्टी में जाया करती थी। उसी के साथ उसी के क्लास में एक रोहित नाम का एक लड़का भी था। वह देखने में ठीक ठाक दिखता था और वह नेहा को मन ही मन बहुत प्यार करता था, पर कभी भी अपने प्यार का इजहार कर नहीं पाया। पर नेहा को रोज किसी न किसी लड़के के साथ हंसी मजाक करते देखता तो उसे बहुत दुख होता और उसके मन में कई सवाल आते कि क्या उस लड़के और नेहा के बीच कहीं प्यार तो नहीं है, या उस लड़के ने नेहा से प्यार का इजहार तो नहीं कर दिया। यह कई बातें उसके मन में दिन प्रतिदिन उठती थी, पर वह इन्हीं बातों को ये कहकर भुला देता था कि शायद वह अच्छे दोस्त होंगे। इसी तरह दिन बीत गए, एग्जाम की डेट भी आ गई। और फिर क्या था, रोहित पढ़ाई में बिजी हो गया और धीरे धीरे एग्जाम भी समाप्त हो रहे थे। एग्जाम के आखिरकार आखिर दिन आ ही गया। रोहित ने भी आज ठान लिया कि आज मैं नेहा से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगा, और आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसके पास गया ही था कि उसने देखा कि नेहा अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। तो फिर से रोहित ने हार मान ली और वह घर पर आ गया। पर उसे पूरी रात नींद नहीं आई, बस वह अपनी लव स्टोरी के बारे में ही सोचता रहा कि आखिर वह अपने प्यार का इजहार करे तो कैसे करे। यही बात उसे खाए जा रही थी। रात के 2 बज रहे थे पर उसे नींद नहीं आ रही थी। अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने नेहा को कॉल करने की सोची। और तभी उसे ख्याल आया कि अभी तो रात के 2 बज गए हैं और अब मैं फोन करूंगा तो वो क्या सोचेगी। पर फिर भी उसका दिल नहीं माना और उसने नेहा को अपने प्यार का इजहार करने के लिए कॉल कर दी। रात को नेहा के तकिए के नीचे से हल्की फोन की रिंग की आवाज आ रही थी, पर फिर भी नेहा इतनी नींद में थी कि उसने फोन उठाया नहीं। रोहित ने फिर से कॉल कर दिया, पर जैसे तैसे करके नेहा ने फोन उठा लिया और धीमी आवाज में कहा, हेलो। पर आगे से रोहित की आवाज तक नहीं निकली और नेहा ने फोन कट कर दिया। इसके बाद 2 से 5 मिनट हुए ही थे कि रोहित ने फिर हिम्मत जुटा कर आखिरकार वापस कॉल कर दी। अब नेहा की नींद थोड़ी कम हो गई थी तो उसने फोन की रिंग बजते ही उठा लिया। हेलो, कौन है यार, नेहा कहती है। फिर आगे से रोहित धीमी आवाज में बोलता है, मैं अटकता हुआ बात करता है। तो तभी नेहा कहती है, बकरी है क्या, क्या मैं करा है, इतनी रात को क्यों परेशान करा है, क्या काम है तुझे। तब रोहित कहता है कि मैं रोहित बोल रहा हूँ, तुम नेहा बोल रही हो ना। नेहा कहती है, हाँ तो क्या हुआ, इतनी रात को ये पूछने के लिए कॉल किया था। तभी रोहित कहता है कि नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, कहकर रुक जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे कल कॉलेज के बाहर वाले होटल में मिलोगे, मुझे कुछ कहना है तुमसे। तो नेहा कहती है, जो काम है अभी बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का। तो रोहित कहता है, प्लीज 12 बजे दोपहर को प्लीज नेहा। नेहा भी उसकी बात मान जाती है और फोन को कट कर देती है। सुबह वह देर तक सोती रहती है, पर उसी के दूसरी तरफ अपने प्यार का इजहार करने के लिए वह पूरी रात तक जागता रहा। 7 बजे तक खाना खाकर घर से निकल गए। 12 बज गए थे और रोहित बार बार घड़ी की ओर देख रहा था कि कब नेहा आएगी और उसको अपने दिल की बात बताए। 12:30 बज गए पर नेहा नहीं आई। रोहित बहुत ही परेशान होने लगा, नेहा शायद उसे नहीं मिलेगी। पर तभी नेहा दिखने को मिलती है। वह इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि किसी का भी दिमाग चकरा जाए। पतली कमर, नागिन जैसी चाल, मानो सबको घायल करके मानेगी। जैसे नेहा उसके पास आती है, रोहित कहता है, सो हॉट, क्या लग रहे हो यार तुम तो। तभी इसी बात का नेहा जवाब देती है,
मैं पैदा ही खूबसूरत हुई थी, इसमें कहने की क्या बात है। अब दोनों होटल में चले जाते हैं और रोहित दो कॉफी मंगाता है तो नेहा कहती है, बोलो क्या काम है, जल्दी बताओ। तो रोहित कहता है कि एक मिनट, पहले कॉफी पी लो, उसके बाद में बात करते हैं। रोहित अपने जेब से एक डायमंड रिंग निकाल कर नेहा को कहता है, आई लव यू। तो नेहा भी कहाँ मना करने वाली थी, उसने भी हाँ कर दिया और रोहित को आई लव यू टू में जवाब दे दिया। पर रोहित को नहीं पता था कि ऐसे कई डायमंड रिंग कई लड़कों से ले चुकी है और आई लव यू टू भी कई लड़कों से कह चुकी है। ऐसे ही कई दिन बीत गए, पर सच्चाई तो आखिरकार एक न एक दिन सामने आने ही वाली थी। आखिरकार रोहित को यह सब पता चल ही गया कि प्यार में वो धोखा दे रही है। वह उससे जाकर मिलता है और उसे डांटने और नेहा पर चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर तो नेहा खामोश रही, पर फिर क्या था, नेहा ने भी कह दिया कि तेरे जैसे कई आते हैं और कई जाते हैं, बोंदू की शक्ल के मुझसे प्यार करने चला, तेरे जैसे कितने मुझे आई लव यू कहते हैं और डायमंड की रिंग देते हैं, पर तू तो मुझे अपना ही माल समझने लगा। यह बात कहकर रोहित के मुंह पर वह डायमंड रिंग फेंक देती है। यह देख और सुनकर रोहित के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई थी, पर फिर भी रोहित नेहा को समझाता है कि ऐसा मत कर, तू कभी पछताएगी। पर वह उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे जाते हुए कहती है, दिखना मत चूजे कभी, और नेहा चली जाती है। धीरे धीरे नेहा के लव अफेयर के चर्चे गली मोहल्ले में सुनने को मिलने लगे। अब यह बात उसके माता पिता तक पहुंच गई। वह भी चिंता करने लगे क्योंकि उनके बिरादरी के लोग भी उन्हें अब ताना मारने लगे थे, जिसके वजह से अब नेहा के माता पिता ने नेहा की शादी करवाने की सोची और नेहा के लिए रिश्ता देखने लगे। आखिरकार उन्हें एक राजू नाम का लड़का मिल ही गया। राजू एक सीधा साधा लड़का था, वह दिखने में भी कुछ खास नहीं था, पर फिर भी नेहा ने अपने माता पिता के दबाव में आकर शादी कर ली। अब शादी करने के बाद जब राजू नेहा के पास आया और उसे देखकर मोहित हो गया और कहने लगा, आप बहुत खूबसूरत हैं, मानो जैसे राजकुमारी जैसी। पर तभी उसने गुस्से में कहा, मैं जरूर खूबसूरत हूँ और राजकुमारी जैसी दिखती हूँ, पर मेरी किस्मत बहुत खराब है जो तुम जैसे से मेरी शादी हो गई। ये कहकर वो कहती है, मैं थक गई हूँ, मुझे सोने दो। ये कहकर वह सो जाती है और वह बेचारा राजू कोने में पड़े एक पलंग पर जाकर वह भी सो जाता है। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब राजू को भी पता था कि नेहा उससे प्यार नहीं करती, पर फिर भी राजू जितना हो सके उतना नेहा को मनाने की कोशिश करता। आखिर वह